बड़ी खबर आ रही है सिद्धार्थनगर से। आपको बताते चले कि अवैध अस्पतालों पर प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई। सिद्धार्थनगर जिले के मुख्यालय पर अवैध अस्पतालों को लेकर सदर एसडीएम ललित कुमार मिश्र व नौगढ़ ब्लॉक के एमओआईसी प्रशांत मौर्य द्वारा मुख्यालय के दो अस्पतालों जिनमें मैक्स हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी व आशीर्वाद हॉस्पिटल पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में प्रशासन द्वारा अस्पताल में डॉक्टर की उपस्थिति व कागजातों को चेक किया गया, जिनमें दोनों अस्पतालों पर कोई डॉक्टर नहीं मिले व कागजातों में भी कमी पाई गई। वहीं एसडीएम सदर ललित कुमार मिश्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन को लेकर निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिनमें दो अस्पतालों का निरीक्षण किया गया और दोनों अस्पतालों पर डॉक्टर की अनुपस्थिति पाई गई। अवैध तरीके से जो हॉस्पिटल संचालित है उन्हें सघन अभियान के तहत अधीक्षक महोदय और मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है कि क्या हॉस्पिटल पंजीकृत है या नहीं है, फार्मासिस्ट पंजीकृत है या नहीं है, इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा की। इसके क्रम में दो जगह पर चेक किया गया, एक आशीर्वाद हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर नहीं मिले हैं और डॉक्टर वो उनके भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं या जो जरूरी प्रक्रियाएँ हैं वो नहीं मिली है, इसके लिए डीएमओ को लिख दिया गया है इनके जरूरी जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो समय उपलब्ध कराएं, अदरवाइज इनकी विरुद्ध विधिक कार्रवाई संस्कृत की जाएगी। ऐसे में सर बहुत से अस्पताल चल रहे हैं जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्या कार्रवाई? कोई खिलवाड़ नहीं का, हम पूरा प्रशासन और जिला हॉस्पिटल सब सीएमओ सर सब एक्टिव हैं, किसी भी प्रकार के अवैध अगर संचालित हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई पंजीकृत की जाएगी और